हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें अपनी ITR भरनी है अगर हमारी इनकम सैलरी से हो रही है, बिजनेस से हो रही है, या फिर कोई कमीशन इनकम है जैसे कि LIC एजेंट्स, या फिर कोई हमारी शेयर्स में इनकम हुई है, हमें कुछ कैपिटल गेन हुआ है शेयर से, म्यूचुअल फंड से। तो चलिए चलते हैं पोर्टल पर। तो ये हमारा इनकम टैक्स का नया पोर्टल है। इस पे आपने सबसे पहले लॉगिन करना है अपने पैन नंबर से, यहाँ डालना है अपने पासवर्ड, यहाँ करना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो देखिए, हम आ गए अपने डैशबोर्ड पे इनकम टैक्स पोर्टल के। तो अब हमें अगर ITR भरनी है, बिजनेस सैलरी कमीशन इनकम शेयर इनकम, अगर हमें सब जगह से इनकम आ रही है तो उसकी ITR हम कैसे भरेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है यहाँ ई फाइल में। तो यहाँ आप ई फाइल में जब जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स में, उसके बाद आ जाएंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स में। उसके बाद यहाँ से अपना आपने असेसमेंट ईयर चूज करना है। असेसमेंट ईयर ध्यान दीजिए कि 21-22 हम यहाँ चूज करेंगे अगर हम 2021 की ITR भर रहे हैं। तो मैं यहाँ करूंगा 2020 चूज। उसके बाद मैं यहाँ ऑनलाइन मोड से आपको फिल करके दिखाऊंगा डाटा। यहाँ करेंगे कंटिन्यू, यहाँ करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग एंड देन इंडिविजुअल एंड कंटिन्यू। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कि हमें यहाँ ITR 3 फॉर्म को चूज करना है। अगर हमारी इनकम बिजनेस से भी हो रही है, सैलरी से भी हो रही है, शेयर से भी हो रही है, या फिर कमीशन से भी हो रही है, LIC कमीशन, तो यू हैव टू चूज ITR 3 फॉर्म फॉर सैलरी प्लस बिजनेस प्लस इनकम फ्रॉम कमीशन प्लस शेयर इनकम। अगर इनमें से आपकी कोई दो भी इनकम है, मान लीजिए सैलरी और बिजनेस है, तो भी आपको ITR 3 फॉर्म ही चूज करना है। तो अब उसके बाद हम यहाँ करेंगे प्रोसीड विद ITR 3। अब हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ITR 3 जो हमारा फॉर्म है, इसके अंदर हमें सबसे पहले ये शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। ये शेड्यूल आप सेलेक्ट जितने करेंगे उतनी आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। मान लीजिए हम मेरे दो ही सोर्स है इनकम के, बिजनेस और मेरी सैलरी, तो मैं यहाँ सिर्फ यहाँ शेड्यूल सैलरी पे टिक करूंगा, इस शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक नहीं करूंगा। ये किस लिए? अगर मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो यहाँ पे कैपिटल गेन पे मैं जब टिक करूंगा। अगर मेरी कोई शेयर से इनकम है या प्रॉपर्टी से सेल करने से मुझे कोई इनकम हुई है, तो यहाँ मैं कैपिटल गेन पे क्लिक करूंगा। अब उसके बाद ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए था, या अगर मेरा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है कि फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया है फॉरन में तो ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए शेड्यूल अदर सोर्सेज, आपकी सेविंग का इंटरेस्ट, आपकी FD का इंटरेस्ट, आपका डिविडेंड, कोई भी स्पेशल इनकम है वो अदर सोर्सेज में जाएगी, तो इसको आप टिक जरूर कर लें। इसमें आप अपना सेविंग का इंटरेस्ट जरूर दिखाएं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे शेड्यूल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, क्लबिंग ऑफ इनकम। अब मान लीजिए आपका कोई चाइल्ड है, वो माइनर है, और उसकी भी इनकम हो रही है, तो आप यहाँ क्लबिंग ऑफ इनकम में उसको टिक करेंगे और उसकी इनकम यहाँ दिखाएंगे। मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ टिक नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद शेड्यूल इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट्स, अगर आपकी कोई इनकम स्पेशल रेट से है तो आप इसको टैब को टिक करेंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ नहीं कर रहा टिक। उसके बाद आपने क्या देखना है, शेड्यूल इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, तो अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो आप इसको यहाँ टिक करेंगे, अदरवाइज नॉट। अब कोई आपकी एग्जम्प्ट इनकम है, जैसे कि आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आए हैं कुछ, या आपके LTC है, तो आपको यहाँ टिक करना होगा। अगर आपके केस में नहीं है तो इसको यहाँ ना करें। उसके बाद आ जाएं आप शेड्यूल पास थ्रू इनकम, अगर आपको कोई पास थ्रू फंड्स है तो आप यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे समरी, अगर आपका कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट है तो डबली टैक्स इनकम ना हो जाए आपले आपकी, इसके लिए आप यहाँ टिक कर लेंगे। अगर नहीं है तो मत टिक कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। यहाँ तो आप यहाँ करेंगे कंटिन्यू। अब आप देखेंगे मैंने 32 शेड्यूल सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इनमें से कुछ मुझे नहीं करने थे, तो मैं इनको कैसे सेलेक्ट करूंगा वापसी डिसलेक्ट? तो आपको यहाँ आ जाना है। अब हमें यहाँ बिजनेस के शेड्यूल को सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए मुझे अपना यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट डालना होगा, तो मैं यहाँ इस पर टिक करके चलूंगा। अब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ टिक रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मान लो नहीं बनाना चाहता तो मैं यहाँ अनटिक कर दूंगा। उसके बाद अब यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट मेरा बनेगा तो यहाँ मुझे टिक करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो यहाँ टिक करना होगा, क्योंकि मैं बिजनेस की ITR भर रहा हूँ तो मुझे ये सारी चीज भरनी है, मैंडेटरी है।
अब उसके बाद शेड्यूल अदर इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस, अगर आपकी 44AD की है, ऑडिट होनी है आपकी, AB में आती है, तो आप इसको टिक करें, अदरवाइज नॉट इसको टिक मत करें। अब आप शेड्यूल क्वांटिटी डिटेल्स में आएंगे कि आपका स्टॉक कितना रहता है बिजनेस का, तो इसको आप टिक करेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, आपकी इनकम की कंप्यूटेशन पूरी आपको बनानी है, तो आप यहाँ टिक करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएंगे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कुछ किया है आपने तो टिक करेंगे। एंड दस ICDS आपका इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट है, तो यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आप नीचे शेड्यूल GST, अगर आपकी GST में टर्नओवर, आपके यहाँ पूरी सेल परचेज GST नंबर है आपके पास, तो यहाँ आप टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं ITR 3 को फाइल करना। तो यहाँ पार्ट ए जनरल में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इंफॉर्मेशन को चेक करना है सारा का सारा कि ये मेरी इंफॉर्मेशन पूरी ठीक है क्या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे आप कि आपका कॉन्टैक्ट ठीक है या नहीं, फाइलिंग सेक्शन, आप कौन से सेक्शन में अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं। तो मैं अभी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ 139(1) सेक्शन आएगा। उसके बाद अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं, अब ध्यान वाली देने वाली बात यही है कि यहाँ अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम एक बार सिलेक्ट कर लिया तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही जाएंगे, तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे न्यू टैक्स रिजीम से। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ चूज कर लिया तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे, आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट अगेन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए चेंजिंग एक बार अलाउड है सिर्फ। तो आप उसके बाद यहाँ आ जाएंगे नीचे जहां आपने शो करना है कि आप रेजिडेंट हैं, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस किस कंडीशन में, आप 182 डेज रहे हैं इंडिया में, इसलिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये चीजें फिल करनी है कि आपकी फर्म की ऑडिट होगी या नहीं, आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपके पास है या नहीं, डिटेल्स ऑफ फर्म, अगर आपके पास कोई फर्म की डिटेल्स है, आप किसी फर्म में पार्टनर है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर डायरेक्टरशिप आपकी कोई फर्म में, आपकी कंपनी में, तो आप यहाँ यस करेंगे, ना अदरवाइज नो करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव असेसिंग यहाँ फर्म के, तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब नीचे आ जाएंगे आप ऑडिट इंफॉर्मेशन में, आपकी ऑडिट होगी या नहीं, तो आपने यहाँ करना है नो अगर आपकी ऑडिट नहीं हो रही, अगर आपकी ऑडिट हो रही है तो आप यहाँ यस करेंगे, तो यहाँ करेंगे नो। जिन जिन सेक्शंस में ऑडिट लिखा हुआ आप सभी को यहाँ नो कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। आप बैंक डिटेल्स में आपको क्या करना है कि आपका एक बैंक अकाउंट यहाँ ऐड करना है, जिसमें कि आपको रिफंड आएगा अगर आपका कुछ बनता होगा, तो यहाँ पे उसको नॉमिनेट फॉर रिफंड कर दें। एंड देन आप नीचे आ जाएंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपकी देखेंगे कि आप फर्स्ट टैब आपकी फिल हो चुकी होगी, ये देखिए कंफर्म हो चुकी है। अब मैं आपको दो तीन मेन टैब्स यहाँ बताऊंगा, जैसे कि बिजनेस की टैब, शेयर इनकम की टैब, या फिर कोई कमीशन इनकम है तो उसके लिए। तो अगर बिजनेस की है तो आपको यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस डालना है सबसे पहले कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, तो आप उसके लिए आपको यहाँ से कोड सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे कोड्स हैं बिजनेस के, मान लीजिए आपका कोई है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी की है, फिश फार्मिंग है, तो यहाँ आप यहाँ फिश फार्मिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ये कोर्स के लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे अपने बिजनेस का नेम और यहाँ उसके लिए आपके पास कोड आ जाएगा, या फिर अपने बिजनेस का नेम यहाँ सेलेक्ट कर लें तो भी आपके पास यहाँ कोड आ जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए ये कोड है, तो यहाँ आप क्लिक कर लेंगे। ऐसे ही हम इसको चूज कर लेंगे अपने कोड को। उसके बाद अपनी आपका नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप, आपका प्रोप्राइटरशिप का नेम यहाँ डालेंगे, डिस्क्रिप्शन कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, कंफर्म करना है, इससे आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी कंफर्म्ड हो जाएगा। तो दो टैब्स आपकी फिल हो चुकी हैं यहाँ। अब आपको क्या करना है, मेन शुरुआत यहाँ से होगी कि आपको बैलेंस शीट बनानी। तो बैलेंस शीट में हम क्या क्या डालेंगे, सोर्स ऑफ फंड्स, हमारी कैपिटल कितनी थी हमारा, तो यहाँ ऐड डिटेल कर लेंगे। मान लीजिए मेरी 1 लाख कैपिटल थी, 1 लाख कैपिटल थी, प्रोप्राइटर्स कैपिटल में डाल देंगे 5 लाख, तो इससे आपकी कैपिटल आ जाएगी। मान लीजिए मेरी 5 लाख थी तो मैंने यहाँ 5 लाख डाल दी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कोई बचा है, प्रोप्राइटर्स फंड यहाँ 5 लाख आ गए, लोन फंड्स हमारे कुछ लोन फंड्स है तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन्स है हमारे कुछ बैंक से, तो हम यहाँ कर देंगे।
और अगर किसी और से आपके अनसिक्योर्ड लोन्स है तो आप यहाँ फिल करेंगे डाटा को। तो मान लीजिए मेरा यहाँ बैंक से लोन्स है तो मैं यहाँ कर दूंगा 4,50,000। अब उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ कर दूंगा ऐड। ऐड करने के बाद क्या करना होगा मुझे, सोर्स ऑफ फंड्स आ गया मेरा यहाँ, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, नो अकाउंट केसेस। नो अकाउंट केसेस क्या होता है कि मान लीजिए आपने आपने बिजनेस और प्रोफेशन का कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये चार इंफॉर्मेशन देनी होगी, आपके डेटर्स कितने हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं, आपके टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं जिनको आपने पैसे देने हैं, आपका स्टॉक इन ट्रेड कितना है और आपके हाथ में कैश बैलेंस कितना है। इसी मान लीजिए मेरा कैश बैलेंस है 50,000 रुपये और डेटर्स हैं मेरे मान लीजिए 20,000 रुपये के, और मेरे क्रेडिटर्स हैं मान लीजिए 10,000 रुपये के, ठीक है। और आपने यहाँ करना है कंफर्म पे क्लिक, ओके पे क्लिक कर दें यहाँ। अब जनरली सी बात है, अगर आपको बैलेंस शीट बनवानी होगी तो आप किसी प्रोफेशनल से ही अपना बैलेंस शीट बनवाएंगे। अगर आपका नो अकाउंट केसेस है मान लीजिए तो आप यहाँ डाल के खुद भी भर सकते हैं अपने आईटीआर, तो यहाँ कनेक्ट कर। उसके बाद आपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो आपने यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, परचेजेस कितनी है, वेजेस आपने कितने दिए हैं। उसके बाद आपने यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है, आपने स्टॉक डाल के ओपनिंग क्लोज स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपने यहाँ कंफर्म कर देना है। एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है आपने कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ये सब कुछ डेबिट एंड क्रेडिट्स आपको लिखने होंगे यहाँ। अब सबसे पहली बात, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यहाँ चूज कर रहे हैं, नो अकाउंट केसेस चूज कर रहे हैं, तो आपको अकाउंट मेंटेन्स करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में तो आपको 6 और 8% टैक्स देना होगा अगर आप कोई भी अकाउंट अपना मेंटेन नहीं करते हैं तो। अब उसके बाद यहाँ आ जाती है सैलरी। तो सैलरी में आपको अगर मान लीजिए कोई सैलरी भी आ रही है तो आप यहाँ ग्रोस सैलरी अपनी डाल देंगे कितनी आई है, एम्प्लॉयर का 10 नंबर डाल देंगे जिससे आपको सैलरी आ रही है, फॉर्म 16 के हिसाब से यहाँ सब कुछ आपको अपना डाटा फिल करना है। और नेक्स्ट आ जाए कि आपको डिडक्शंस कितनी मिली है, आपको एक बार अपनी सैलरी डालनी है, उसके बाद जितनी भी डिडक्शंस होंगी मान लीजिए ATC में आपने कितनी करी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 की यहाँ भी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो कोई नहीं है आपका, या प्रोफेशनल टैक्स तो कोई नहीं है, ये डाल के आप सेव कर देंगे। और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा पूरा। तो मैं एक बार आपको डाल के दिखा देता हूँ यहाँ ग्रोस सैलरी। मान लीजिए मेरी यहाँ ग्रोस सैलरी थी, तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए मेरे यहाँ ग्रोस सैलरी थी। एड्रेस मैं यहाँ डाल देता हूँ एक बार स्टेट। अब उसके बाद आपकी यहाँ ग्रोस सैलरी का टोटल आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ अपनी सैलरी डाल दी है 5 लाख, तो नीचे यहाँ मेरे ग्रोस सैलरी का टोटल आ जाएगा। जैसे मैं अब यहाँ देखिए मेरी 5 लाख यहाँ सैलरी आ चुकी है एक एम्प्लॉयर से, 50,000 की मुझे यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल चुकी है। अगर मैं और कोई डिडक्शन लेना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ सारी अपनी लिखनी होंगी डिडक्शंस। अब मैं यहाँ कंफर्म कर दूंगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी सैलरी भी हो गई है, अब आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम की कंप्यूटेशन आपने देख लेनी है कि मेरा इतना स्पेकुलेटिव बिजनेस कुछ हुआ है। मतलब मान लीजिए आप कोई इंट्राडे करते हैं, आप ध्यान से सुनने वाली बात है कि आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या आएगा। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स में, तो वो सारा डाटा आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस में आएगा। उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा सारा कि मैं इंट्राडे से इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है, उसकी ट्रांजेक्शन आपको देनी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका कोई बिजनेस लॉसेस है ऑफ करंट ईयर के, तो उसके आप यहाँ सेट ऑफ कर सकते हैं। अब बात आती है डेप्रिसिएशन की, अगर आपकी कोई एसेट्स हैं जिन पर डेप्रिसिएशन लग रहा है जैसे कि मशीनरी, तो वो आप डेप्रिसिएशन के टाइम में यहाँ लिखेंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा कैपिटल गेन की। ये जो हमारा कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपने कोई शेयर परचेज किए थे और उसको आप सेल कर रहे हैं, तो उस पर कैपिटल गेन आता है। उसके लिए आपको इस कॉलम में टिक करना है अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और इस कॉलम में टिक करना है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो आप यहाँ उसकी ट्रांजेक्शन्स का टोटल, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, और इसकी कैलकुलेशन ध्यान से करना बिल्कुल, क्योंकि आगे आपको जाके यहाँ 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड भी करना होता है। अब आपका कोई मेडिकल क्लेम है तो आपको यहाँ ATD में डालना होगा, इस टाइम में आपको डालना होगा अगर आपका मेडिकल क्लेम कोई है तो। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपके यहाँ जाएगा 112A में। अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 ईयर्स से
ज्यादा आपके पास रही है तो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे कि हमें यहाँ अपना डिडक्शंस दिखानी है, एएमटी दिखाना है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अपनी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन दिखाना होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो एलआईसी वाली इनकम थी वो हमारी अदर इनकम में आप डाल सकते हैं, कमीशन इनकम में, ठीक है। आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, हमने जितनी जितनी फीड करी होगी इनकम से, बिजनेस से, प्रोफेशन से, तो यहाँ सारी वो काउंट हो जाएगी। आप यहाँ चेक कर लें सारी एक बार और कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद आपने क्या करना होगा, नीचे आ जाएंगे कि हमारा इस पर टैक्स कितना बनता है, टैक्स वाली टैब देखनी होगी हमें। तो सबसे लास्ट वाली हमारी जो टैक्स की टैब होती है, टीडीएस अगर हमारा कोई कटा है तो हमें यहाँ रिपोर्ट करना होगा। मान लीजिए मेरा टीडीएस मेरी सैलरी में कटा है, तो मैं यहाँ ऐड डिटेल्स कर दूंगा और अपने टैन नंबर लिख दूंगा, जिस एम्प्लॉयर ने मेरा टीडीएस काटा है उसका, यहाँ सारा मैं टैक्स डिडक्टेड लिख दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ टीडीएस डाल दिया है कि मेरा इतना टीडीएस कटा है, तो मैं यहाँ करूँगा कन्फर्म। ये आपका वैसे प्रीफिल डाटा में आ जाएगा अगर टीडीएस कटा होगा तो। अब नेक्स्ट आ जाएंगे सबसे लास्ट टैब में हम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ हमारा टैक्स दिखाएगा हमारी टोटल इनकम पे टैक्स कितना बनता है हमारा। तो मेरे केस में भी मैंने यहाँ 4.5 लाख की इनकम दिखाई थी, तो मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा। ये मेरा टीडीएस कटा हुआ है तो मैं इसको वापसी रिफंड कर लूंगा। ये देखिए रिफंड टाइम में मेरा आ चुका है, 5 लाख से नीचे हूँ इसलिए मुझे यहाँ रिफंड दिख रहा है। तो आप उसके बाद क्या करेंगे कि आपको यहाँ प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म पूरा का पूरा फिल हो जाएगा ITR 3। आप इसे बिल्कुल एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ इसको ई वेरीफाई करना होगा। तो जब आप यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं एक बार, तो यहाँ डाउनलोड JSON कर लें, इसको एक बार चेक कर लें अच्छे से, फिर JSON अपलोड कर लें और उसको ई वेरीफाई कर दें। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाके आपको आधार OTP लगाना होगा, या आपके पास DSC है अपने तो DSC से उसको वेरीफाई कर दें और आपकी ITR हो जाएगी फाइल। अब अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो आप कमेंट्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की। अब आपको सैलरी और बिजनेस रिलेटेड ITR से कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमीशन इनकम के लिए, LIC से इनकम के लिए आप पूछ सकते हैं, और शेयर से अगर आपकी इनकम हुई है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, म्यूचुअल फंड से कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।